पुलिस को चकमा देकर भागा आरोपी। पुलिस गाड़ी में पेट्रोल भराते वक्त भागा आरोपी। और फगुरम चौकी पुलिस की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली। आरोपी को जेल में दाखिल कराने के लिए ले जा रही थी दरअसल पुलिस। पुलिस ने एक घंटे बाद हालांकि आरोपी को फिर से पकड़ लिया और आरोपी को पुलिस ने जेल में अब दाखिल भी करा दिया है। तो देखिए, छोटा सा मौका हाथ लगा तो उसने सोचा कि क्यों गवा दिया जाए और क्यों ना भाग लिया जाए। लेकिन ये जो आरोपी था ये पुलिस गिरफ्त में आ गया। एक घंटे के बाद आखिरकार उसे जेल जाना ही पड़ा। ये पुलिस जब अपनी गाड़ी में पेट्रोल दरअसल भरा रही थी उस दौरान उसने सोचा कि ये मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए और इसी फिराक में शायद वो था। सख्ती का ये मामला बताया जा रहा है। एक घंटे के बाद ये पुलिस की गिरफ्त में फिर आ गया। फगुरम चौकी पुलिस की ये बड़ी लापरवाही भी है कि आप पेट्रोल भरवा रहे हैं, आपके साथ एक आरोपी है, तो उस तरह की चौकसी, उस तरह की सतर्कता भी रखनी चाहिए। लेकिन शायद नज़र हटी दुर्घटना घटी जैसा ये मामला था। ये अलग बात है कि कहते हैं ना कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो बहुत देर नहीं, एक घंटे के अंदर इसको पकड़ लिया पुलिस ने। फिर तो चोर एक बार फिर से गिरफ्त में हैं और पुलिस की लापरवाही भी इस पूरी घटना में देखने को मिली, जहां पर मौके का फायदा उठाते हुए चोर, जब पेट्रोल भरवाया जा रहा था पुलिस की गाड़ी में, तब ये भाग निकला वहां से। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सख्ती संवाददाता राजीव लोचन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, एक घंटे बाद हालांकि ये धरा गया, लेकिन जिस तरह से ये भागने में सफल रहा, वहां एक बड़ी बात ये भी है, सवाल ये भी है कि पुलिस कैसे ऐसे लापरवाह हो सकती है? जी बिल्कुल जी, इसमें फुगरम चौकी प्रभारी की बहुत बड़ी लापरवाही सामने है, जिसमें पुलिस के गिरफ्त से एक पाक्सो का आरोपी फरार हो गया। निश्चित ही बड़ी लापरवाही की है। बड़ी बात यह, खास बात यह है कि माल खरौदा के राजेश चंद्रवंशी की टीम ने एक घंटे के भीतर ही उस आरोपी को पकड़ लिया। जी बिल्कुल। और राजीव, ये आरोपी जो है, ये इसे कहां से कहां ले जाया जा रहा था, ये भी डिटेल से, साथ ही साथ इसका अपराध क्या था, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये पता भी होना चाहिए कि इतने बड़े अपराधी के साथ यदि इस तरह की लापरवाही पुलिस ने की है। ये अलग बात है कि कम से कम इस मामले में एक घंटे के अंदर पकड़ लिया, ऐसे ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। जी, ये इसके आरोपी के विरुद्ध फोगरम चौकी में अपराध पंजीबद्ध था, जहां फोगरम चौकी ने इसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और न्यायालय में पेश करने के बाद ये आरोपी को जेल दाखिल किया जा रहा था। और जेल दाखिल करने के दौरान ही वही पेट्रोल पंप पर पुलिस की गाड़ी रुकी थी, जहां पेट्रोल डलवाया जा रहा था, उसी दौरान आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पुलिस को चकमा देकर भागा आरोपी, हालांकि अब पुलिस गिरफ्त में है, इसको जेल भेज दिया गया है।